बाबू के घर में झाड़ू पोछा लगाया, जिसके पास पैसा ना होने की वजह से बीसीसीआई ने 3 महीने का बैन लगाया था। आज वही लड़का 1, 2, 3 नहीं बल्कि आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर मैदान में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ताली बजाने को किया मजबूर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह के बारे में, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात रिटर्न्स के बीच मुकाबले में आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़के केकेआर को 3 विकेट से धमाकेदार जीत दिलाई। लेकिन आज सिक्सर किंग बनने से पहले या शाहरुख खान या ब्रैंडन मैकलम, सहवाग या दुनिया भर में टॉप ट्रेंड करने से पहले रिंकू की पहचान ये नहीं थी। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। रिंकू सिंह की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में रिंकू सिंह के संघर्ष से सफलता तक के पूरे पहलू को जानेंगे, कैसे वो अपनी गरीबी को पार कर आईपीएल के स्टार क्रिकेटर बने। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। व्यक्ति के सपने यदि बड़े हो तो वो हर परेशानी और हर बाधा को पार कर वो अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार रिंकू सिंह का जीवन भी ऐसे ही परेशानियों से भरा रहा है। 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे रिंकू सिंह 6 भाई बहनों में 3रे नंबर पर हैं। रिंकू के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे और रिंकू के भाइयों में से कोई ऑटो रिक्शा चलाता था या कोई मजदूरी करता था। रिंकू का परिवार बहुत ही गरीब था। रिंकू का मन बचपन से ही पढ़ाई के बजाय क्रिकेट खेलने में ज्यादा लगा रहता था। रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस खेल में समय बर्बाद करे। इसके चलते रिंकू की कई बार जमकर पिटाई भी हो जाती थी। इसके बावजूद रिंकू ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। दिल्ली में खेले गए एक टूर्नामेंट में रिंकू को इनाम के तौर पर बाइक मिली थी, जिसे उन्होंने अपने पिता को सौंप दी। इसके चलते रिंकू की पिटाई तो बंद हो गई थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब बनी हुई थी। ऐसे में रिंकू ने नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन रिंकू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो 9वीं फेल थे, जिसके कारण उन्हें कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिली। रिंकू को इस काम में ज्यादा दिन मन नहीं लगा और उन्होंने कुछ दिनों में ही इस नौकरी को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पे लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि क्रिकेट से ही उनके परिवार के दुखों का अंत होगा। रिंकू की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो क्रिकेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते 2 बार अंडर 16 ट्रायल में वो बाहर हो गए थे। इतनी तंगी की हालत में उनके लिए फरिश्ता बन के आए अलीगढ़ के मोहम्मद जीशान, क्योंकि रिंकू सिंह के पास जब क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे तो मोहम्मद जीशान ने उन्हें क्रिकेट किट दिलवाई थी। उसके बाद जीशान ने रिंकू की ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम किया। फिर उसके बाद रिंकू के शुरुआती दिनों में मसूद अमीन ने उन्हें क्रिकेट ट्रेनिंग कोचिंग दी। मसूद आज भी रिंकू के कोच हैं। लोग आज मुस्लिम हिंदू करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आज मुस्लिम और हिंदू एकता जीत गई है। बहरहाल अब बात करते हैं रिंकू सिंह के आगे के सफर के बारे में। तो रिंकू सिंह की मेहनत आखिरकार रंग लाई जब 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश की ओर से लिस्ट ए और T20 क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। फिर रिंकू सिंह ने 2 साल बाद पंजाब के खिलाफ मुकाबले में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह को पहली बार आईपीएल में पंजाब की टीम ने 2017 में 10 लाख रुपए के बेस प्राइज में खरीदा था। रिंकू ने उस पल को याद करते हुए कहा कि इतना पैसों की मेरे लिए बहुत कीमत थी, इससे मैंने सारा कर्ज चुका दिया। इसके बाद उन्हें केकेआर ने 80 लाख रुपए में खरीदा। रिंकू ने कहा, जब मुझे ये कीमत मिली तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने में बिक पाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि 20-25 लाख का बिकूंगा। इन 80 लाख से घर बनवाया, पापा को कार दिलवाई, उनका बहुत मन था कार लेने का, वो बहुत खुश हुए। तब से लेकर वो केकेआर से जुड़े हैं। हालांकि आईपीएल 2021 के सीजन में वो घुटने की इंजरी के चलते एक भी गेम नहीं खेल पाए थे। फिर उसके बाद रिंकू को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में केकेआर ने 55 लाख रुपए में खरीदा था। आईपीएल में रिंकू ने अब तक 20 मैच खेलकर 24.93 के एवरेज से 349 रन बनाए हैं। आईपीएल 2022 में लखनऊ के खिलाफ मैच में रिंकू ने सिर्फ 15 गेंदों में 40 रन बनाए थे। इस इनिंग्स के बाद ही रिंकू छा गए थे। रिंकू सिंह ने माना कि आईपीएल खेलने से उनकी जिंदगी बदल गई है और आज रिंकू सिंह आईपीएल के स्टार क्रिकेटर हैं और हर किसी के मुंह पर उन्हीं का नाम है। रिंकू ने ये साबित कर दिया है कि यदि हमारे सपने बड़े हो तो जीवन की कोई बाधा हमारी सफलता के आड़े नहीं आ सकती। तो दोस्तों आपको रिंकू सिंह के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो ये देख कर कुछ सीख सके कि अपनी बुरी परिस्थितियों में हार कर नहीं बैठना है बल्कि मेहनत करना है और इतना मेहनत करना है कि दुनिया
दुनिया वाले याद रखें, जैसे आज रिंकू सिंह का नाम हर किसी के जबान पर है, वैसे आपका भी होगा। अगर आप संघर्ष करते हैं तो एक न एक दिन जरूर आप कामयाब होंगे।